लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनप्रतिनिधियों को सलाह दी है। कोरोना वायरस को लेकर दिग्विजय ने जनप्रतिनिधियों से कहा, संकट के समय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी निभाएं। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा, संकट के वक्त जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लक्ष्मण रेखा के दायरे में रखते हुए जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फोन व सोशल मीडिया पर संपर्क कायम रखें और शासन की तरफ से मिल रही सुविधाओं के अमल में लाने का प्रयास करें। सरकारी ऐलान के क्रियान्वयन पर ध्यान दें। इससे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंदौर में डॉक्टरों पर हुए पथराव की घटना को लेकर अपील की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर की जनता से अपील है कि जो स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डालकर आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, उन्हें सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। नमस्कार, आज मैंने टेलीविजन पर इंदौर के दो वीडियोस देखे। एक वीडियो में टाटपट्टी बाखर व सिलावटपुरा में जो लोगों के इलाज के लिए सहयोग के लिए हेल्थ वर्कर्स गए थे उनके साथ उस मोहल्ले के लोगों ने पथराव किया, मारपीट की, मैं इस बात की निंदा करता हूं। ये वही हेल्थ वर्कर्स हैं जो आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके साथ ये बर्ताव करना कहां तक उचित है? उनका क्या कसूर है यदि सरकार ने उन्हें आपकी जांच करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए भेजा है, तो इसमें उनका क्या कसूर है? उनके साथ आपका जो गुस्सा है ऊपर क्यों उतारते हैं? मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अपील है कि आप इनको सहयोग करें। आखिर कोरोना वायरस का जो हमारे सामने संकट है, उसमें प्रशासन शासन को सहयोग करके ही हम इस संकट से दूर हो पाएंगे। यदि किसी के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसके परिवारजनों को और उसके आस पड़ोस के लोगों के जिन जिन से वो संपर्क में आया है व्यक्ति, उसको क्वारंटीन करना चाहिए, ये आवश्यक है, अन्यथा हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। बचाव ही इसका एक रास्ता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सहयोग करें, हेल्थ वर्कर्स का सहयोग करें। ये अपनी जान जोखिम में डालकर आपको मदद करने के लिए आए हैं, ये सब करना बंद करें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।